आज हम मीठी टिक्कियां बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। चलें स्टार्ट करते हैं मीठी टिक्कियां कैसे बनेंगी। टिक्कियां बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है, 100 ग्राम सूजी, ये रोस्टेड है सूजी, ऐसे आप नहीं डालिएगा, ये 100 ग्राम सूजी है। पिसा हुआ खोपरा है 100 ग्राम और 100 ग्राम इसमें शुगर है वो डाल रही हूँ। 3 अदद मैंने इलायची ली थी उसको मैंने पीस लिया, उसका पाउडर ऐड कर रही हूँ। ग्रीन कार्डमम का पाउडर है ये 3 अदद। ये 2 टेबल स्पून देसी घी है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और फिर इसके बाद मैं हाथ की मदद से इसको मिक्स करूंगी। इसके बाद देखिए मिक्स करने के बाद इस कंडीशन में आ गया है। घी डालने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के, जब मैं हाफ कप के करीब मिल्क है इसको, इसके साथ मैं इसको गूंदूंगी थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के। यहाँ देखें गूंद गया है इसका टिक्कियों का। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए रख दूंगी और उसके बाद मैं इसकी टिक्कियां बनाऊंगी। इस तरीके से आप सारी टिक्कियां बना लीजिए। ऑयल गर्म हो गया है, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, एक एक करके आप सब डाल दीजिए। और आपको इसको स्लो फ्लेम में बिल्कुल फ्राई करना है। फ्लेम बिल्कुल अभी स्लो है,